अम्मी जान कहती थी तुम अलग हो, बाकी बच्चों से अलग। तारों से आए हो, जन्ना का रखवाला रिजवान। कई साल बाद आज भी कुछ चीजों की महक और स्वाद सीधे तुम्हें एक खोए हुए वक्त में पहुंचा देती है। छोटा सा घर था हमारा, शहर से सख्त नफरत थी अम्मी जान को, और बारिश जब बादल गरजते थे ऐसा लगता था कि घर के बरामदे में 10 शेर खूंखार खड़े हों। तब अम्मी बोलती, तुम्हारा नाम रिजवान इसलिए चुना ताकि तुम धरती पर अच्छे बच्चों की मदद कर सको, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। अम्मी कहती थी कि रात की रानी पूरे जहान में सबसे खूबसूरत फूल है। बचपन में अम्मी ने हमारा जहान भी एक बहुत बड़ी कहानी की तरह बना दिया था, और अक्सर कहती, जा रिजवान जा, रानी को राक्षसों से छुड़ा ला। मुझे तो विश्वास था दूर जंगलों में खूबसूरत परी जैसी रानी मेरा इंतजार करती होगी। हर साल सर्दी के मौसम में यह खुशबू मुझे सीधे उस एक दिन की याद दिला देती। वो शाम पूरे जंगल में काली घटा सी छा गई थी। अचानक मुझे एक लड़की के हल्के रोने की आवाज सुनाई दी। क्या इतने दिनों के बाद आखिर मुझे रानी मिल गई थी? कुछ कदम आगे लेते हुए मुझे भयानक घुर्राने की आवाजें सुनाई थी। मैंने पेड़ के पीछे से निकलकर हाथ में लकड़ी लिए हुए बोला, मेरा नाम रिजवान है, रानी को जाने दो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी मैंने रानी का हाथ थामा। मेरी आवाज सुनकर अम्मी भागी भागी पीछे से आई। देख अम्मी देख, मैंने रानी को राक्षसों से छुड़ा लिया। दरअसल मैंने आपकी तरह दुनिया देखी नहीं, मैं तो बस अम्मी के बनाए जहान में खुश था। आज भी ये महकती हवा, बर्फीले दिन में रात की रानी का झूमना सीधे मुझे तारों के बीच पहुंचा देती है अपनी अम्मी के पास। जन्ना का रखवाला रिजवान।